हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ येलो कुर्ती मेकअप। और ये येलो कुर्ती मेकअप ही नहीं, आप हल्दी फंक्शन पे, साड़ी पे, ड्रेस पे, किसी पे भी ये मेकअप लुक आप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से और अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मैं हमेशा मेकअप शेयर करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर से कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई कर लिया है नेविया का, जो हर स्किन को सूट करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, मैंने मैक का प्राइमर अप्लाई कर लिया है। जो आपकी स्किन को सूट करे वो प्राइमर आप अप्लाई कर ले, और नहीं हो आपके पास प्राइमर तो आप एलोवेरा जेल भी प्राइमर की तरह लगा सकते हैं। इससे हमारा मेकअप क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और जिन्हें ज़्यादा पोर्स की तकलीफ है, वो सिलिकॉन बेस वाला या पोर्स के लिए बेस्ट आता है, वो प्राइमर आप अप्लाई कर सकते हैं। आज का मेकअप मैं बीबी क्रीम से कर रही हूँ फ्रेंड्स, और डीआईवाई बीबी क्रीम की वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होगी हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, डॉट डॉट करके मैंने अच्छे से फेस पर बीबी क्रीम को अप्लाई कर लिया है, और आईज़ के ऊपर भी आप इसे लगा दें ताकि आपका जो आई शेडो है ना वो अच्छे से पॉपअप होके आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और बड़े से ब्लेंडिंग ब्रश से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी हर जगह पर, गले पे, कान पे अच्छे से ब्लेंड कर ले। लाइट कलर का कंसीलर अप्लाई करें हाईलाइट एरिया पर। ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर ले। अब एलोवेरा कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं बीबी क्रीम को सेट कर लूँगी। सिर्फ चार प्रोडक्ट से पार्टी मेकअप आप कैसे कर सकते हैं, इसका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज़रूर से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे अच्छे मेकअप लुक, मैं इंस्पायर्ड लुक भी क्रिएट करती रहती हूँ, तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कलर शेड्स का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, जिसमें से मैं सबसे पहले डार्क कलर का आई शेडो उंगली की हेल्प से ही लगा रही हूँ, और ये आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। हल्का सा उंगली से ब्लेंड कर लूँगी, और इनर कॉर्नर में मैं येलो शेड का आई शेडो ले रही हूँ, इसे भी मैं हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी। और अब मैं सबसे लाइट कलर एकदम अंदर की तरफ आइस पे ले रही हूँ, और अब लगाकर मैं इसे छोटे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से सभी को ब्लेंड कर लूँगी। फ्रेंड्स, एक बात आप ज़रूर से ध्यान रखें कि जब भी आप आई शेडो लगाते हैं उसे आप जितना अच्छे से ब्लेंड करेंगे ना, आपका आई मेकअप उतना ही सुंदर लगता है। तो अब मैं थोड़ा सा ग्लिटर या आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ ऊपर, आप इसे स्किप करना चाहें तो ना लगाएं। नीचे की तरफ भी फ्रेंड्स, पहले मैं डार्क आई शेडो ले रही हूँ, ये ब्राउन कलर का जो मैंने ऊपर की तरफ लगाया था वही मैं लगा रही हूँ, और इसे नीचे लगाना ज़रूरी है, इससे आपकी आंखें बहुत ही सुंदर लगती है। अब मैं ब्लैक कलर के आई शेडो से ही अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। हुडा ब्यूटी का मैं काजल लगा रही हूँ फ्रेंड्स, और आई लाइनर मेरा फेवरेट है, काजल और आई लाइनर मैं रोज़ अप्लाई करती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है। फ्रेंड्स, ये जो स्केच पेन आईलाइनर है, इससे बहुत ही अच्छे से आप आईलाइनर लगा सकते हो अगर आप बिगिनर्स भी हो तो, और ये सूख भी बहुत ही जल्दी जाता है। फेक आईलैशेस अप्लाई कर रही हूँ, और अब मैं इसके साथ ही मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। तो ये बहुत ही अच्छे से फेक आईलैशेस भी अपने जो मेन आईलैशेस है उसके साथ में सेट हो जाती है, और बहुत ही प्यारी भी लगती है। मैंने ब्राउन लिपस्टिक अप्लाई की है, और फ्रेंड्स ये पेंसिल लिपस्टिक थी, और अब मैं ब्लशर अप्लाई कर लूँगी। ये हाइलाइटर सिर्फ मैंने 300 में ख़रीदा है फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं 8 कलर से बहुत ही प्यारे हैं। और गोल्डन हाइलाइटर को मैं अब अप्लाई कर रही हूँ नोज़ पे, फोरहेड पे, ये हमारे जो हाइलाइटेड एरिया है उसी पर अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा उसे सेट भी कर सकते हैं,
तो फ्रेंड्स ये है मेरा फाइनल लुक। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर ये लुक आप भी क्रिएट कर रहे हैं तो मेरा इंस्टा अकाउंट है ठाकुर मयूरी 97, जिस पे आप मुझे अपनी पिक्स भी भेज सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं मयूरी ठाकुर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।